इस मॉड्यूल में आप जानेंगे अबाउट ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करती है। ट्रांसफार्मर लो एसी वोल्टेज को बढ़ाने या हाई एसी वोल्टेज को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर के तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें एक प्राइमरी कोयल, सेकेंडरी कोयल और एक कोर होती है, और ये दोनों कोयल्स सोलिनाइड की तरह बिहेव करती हैं, जिनको इस कोर पर वाउंड किया जाता है, और ये कोर सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। वो कोयल जिसको पर्टिकुलर एसी वोल्टेज इनपुट के तौर पर दिए जाते हैं प्राइमरी कोयल कहलाती है, और वो कोयल जिससे हमें आउटपुट मिलती है सेकेंडरी कोयल कहलाती है। अब हम देखते हैं कि इनपुट वोल्टेज किस तरह प्राइमरी कोयल से सेकेंडरी कोयल में ट्रांसफ़र होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक कोयल से दूसरी कोयल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। जब प्राइमरी कोयल को इनपुट दी जाती है तो इसमें करंट के गुजरने से मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, जो कि सॉफ्ट आयरन कोर में से भी पास करता है। क्योंकि सेकेंडरी कोयल भी इसी कोर के ऊपर माउंट की गई है, इसलिए फ्लक्स सेकेंडरी कोयल में से भी पास करता है। प्राइमरी कोयल में आल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होती है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड फ्लक्स भी चेंज होता है। क्योंकि दोनों कोयल्स एक ही कोर पर माउंट की गई हैं, इसलिए प्राइमरी में चेंज होने वाला फ्लक्स सेकेंडरी में भी चेंज होगा, इसलिए सेकेंडरी कोयल में एक EMF इंड्यूस हो जाएगी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक कोयल से दूसरी कोयल में ट्रांसफ़र हो जाती है। जनरली ट्रांसफार्मर्स की दो टाइप्स होती हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग्स थिक कॉपर वायर की बनी होती हैं और इसकी टर्न्स की तादाद कम रखी जाती है। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग्स थिन वायर से बनाई जाती हैं और इसकी टर्न्स की तादाद ज़्यादा रखी जाती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। इसमें प्राइमरी कोयल्स थिन वायर की बनाई जाती हैं और इनकी टर्न्स की तादाद ज़्यादा रखी जाती है। लेकिन सेकेंडरी कोयल्स थिक वायर से बनाई जाती हैं और इनकी टर्न्स की तादाद कम रखी जाती है। ट्रांसफार्मर्स में नंबर ऑफ टर्न्स और इंड्यूस्ड EMF एक दूसरे से इंटरलेट करती हैं, यानी कि इनका आपस में डायरेक्ट ताल्लुक होता है। मैथमेटिकली हम इसे यूँ लिख सकते हैं VS/VP = NS/NP। अगर सेकेंडरी कोयल की नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हों तो सेकेंडरी वोल्टेज भी ज़्यादा होंगे, और अगर सेकेंडरी टर्न्स कम हों तो सेकेंडरी वोल्टेज भी कम होंगे, और इसी तरह ये रिलेशन प्राइमरी कोयल के लिए भी होगा, जहाँ VP प्राइमरी वोल्टेज, VS सेकेंडरी वोल्टेज, NP नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग्स और NS नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग्स को इंडिकेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें। थैंक यू सो मच।